ये प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो फोर्स का फिर हमारे पास न्यूटन का डायमेंशन न्यूटन को हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है वो बेस का कम्बिनेशन होगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वन और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे तो आपके पास आएगा किलोग्राम ये एक मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अच्छा तो ये आ जाएगा मीटर और ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम मीटर ऊपर जाएगा तो एल पावर माइनस वन सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस टू सेकंड टाइम है तो टी पावर माइनस टू ये डायमेंशन हुआ प्रेशर का। द लास्ट वन फाइव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ये बार बार एमसीक्यू में आता भी है इम्पॉर्टेंट है लेकिन आप लोग असल में यहाँ पे मुझसे ये एमसीक्यू मत सीखो आप मेथड सीखो ठीक है। किस तरह डायमेंशन निकाला जाता है क्योंकि अभी हमने सीमन का डायमेंशन ओहम यानी रेजिस्टेंस या ओहम का डायमेंशन काफ़ी ये तो आज सिर्फ बेसिक लेक्चर है मैं आपको जस्ट वो डिफिनीशन समझा रहा हूँ ठीक है ना। अब इस पे एमसीक्यूज और वो सारे हम करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। तो देखो अगर आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है तो अब इधर एक सवाल है कि सर मैं किधर घूमूंगा फिरूंगा डायमेंशन कैसे निकालूंगा। तो डायमेंशन आप तब निकाल सकते हैं जब आपको एक चीज़ का इक्वेशन क्लियर हो मैथमेटिकल रिलेशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को ढूंढो फिजिक्स में कहाँ पे मिलेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मिलेगा ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो कैपिटल जी को एक साइड पे कर दो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन और एम टू ये आपके पास आ गया। जिस चीज़ का डायमेंशन निकालना है उसका इक्वेशन लिखो फिर इसकी दुनिया में एंटर हो जाओ उसको ढूंढो कि जिस चीज़ का डायमेंशन तुमसे पूछा गया है वो फिर इसकी दुनिया में आपको कहाँ पे मिलेगा। आप उसका इक्वेशन निकालो उसके इक्वेशन में देखो वो एक साइड पे कर दो जिस तरह जी लेकिन उसका पावर वन रखना है। अगर इधर पावर स्क्वायर होता तो वो स्क्वायर उस तरफ लेकर जाकर अंडर रूट कर लेता ठीक है। इधर पावर ऑलरेडी वन है तो मुबारक हो। अच्छा अब इधर फोर्स का यूनिट क्या है माय डियर वो न्यूटन है। आर तो मीटर स्क्वायर और ये एम मीटर नहीं है ये मास है तो मास का यूनिट क्या है किलोग्राम किलोग्राम तो ये आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। बात तो बड़ी सिंपल हो गई भाई न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के और ये अपनी जगह पे लिखो मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर ठीक है सर ये लिख लिया। ये एक किलोग्राम के साथ तब बर्बाद हो जाएगा ये मीटर मीटर स्क्वायर तो मीटर क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय और ये आ जाएगा किलोग्राम और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर तो ये हो जाएगा एल क्यूब मीटर क्यूब मीन लेंथ क्यूब किलोग्राम ऊपर जाएगा कैपिटल एम पावर माइनस वन सेकंड ऊपर जाएगा स्क्वायर है टी पावर माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपके पास आ गया ये एल क्यूब एम पावर माइनस वन और टी पावर माइनस टू दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ठीक है। तो इस तरह हम डायमेंशन निकालते हैं और फिर इसकी दुनिया में डायमेंशन का मतलब ये होता है हेयर व्हाट वी स्टडी हमने ये पढ़ा कि डायमेंशन यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसका ताल्लुक फिजिकल क्वांटिटी से था। डायमेंशन का मतलब टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है उसके बेसिक्स क्या है। अब मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगा कि डायमेंशन कौन से इंफॉर्मेशन नहीं देता ठीक है और वो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन सेम है वो कौन से है जिनके डायमेंशन जो है ना वो सेम बिल्कुल सेम आते हैं वो कौन से है जिनके डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है और क्यों नहीं करते डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता और बहुत स्टेटमेंट्स है डायमेंशन डायमेंशनल एनालिसिस होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है तो ये सारी बातें अब इसमें रहती है स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर आप देखोगे ये इसका पहला लेक्चर हो गया ठीक है।